पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि बोर मॉडल ऑफ एटम क्या होता है, उसके आधार पर कुछ एक्सप्लेनेशन भी बताया गया था बोर मॉडल के में, जो हाइड्रोजन एटम में कैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन किया गया, और बोर मॉडल के कुछ हम लोगों ने कमियां भी बताई थी। तो बोर मॉडल का जहाँ तक की कमी रहा, उसमें जो लिमिटेशंस रहे, उसमें तुमको बोर मॉडल के लिमिटेशन के जो कुछ कारण बताए गए थे, उसमें ये बताया बता उसकी चर्चा कर रहे थे कि बोर मॉडल जब आया उसके तुरंत बाद जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण जो साइंस जो है तुमको, या जो साइंस में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो कि एक्सप्लेनेशन किया गया, तो उसके आधार पर ये पाया गया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो फेनोमेनन थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को फोटोन से मिलके बना हुआ समझा गया। तो लाइट का जहां तक है इसका, तो लाइट को पहले जो है तुमको वेव के रूप में हम लोग क्या करते कंसीडर करते थे, लाइट इज कंसीडर्ड एज वेव, और फोटोन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा जो लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव के रूप में पहले माना जाता, वेव माना जाता है। लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ने यह बात बताया कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर शो करता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो कुछ ऑब्जर्वेशंस रहे वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के आधार पर डील नहीं किया जा सका। जैसे कि वेव थ्योरी ये कहता है कि किसी भी जगह पर जब लाइट जो फैलता है वो एक वेव के रूप में सब जगह कॉन्स्टेंटली फैलेगा, एक यूनिफॉर्म रेट से सब जगह आएगा। तो अगर उसे लाइट को हम इनर्जी किसी भी सरफेस पर लाया जाए तो वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, और एक टाइम के बाद वह इतना एनर्जी दे देगा कि उससे जो है इलेक्ट्रॉन को निकलना चाहिए, एक समय लगेगा उसमें। लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में यह देखा जाता है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होते हैं लाइट के फॉल करते ही तुरंत तो इंस्टेंटली हो जाता है, जबकि अगर यूनिफॉर्म एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को का केस होता तो लाइट को निकलने में, वहां से लाइट पड़ने के फोटो इलेक्ट्रॉन को निकलने के बीच में घंटों का समय लग सकता था। लेकिन वहां पर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में विदाउट एनी कोई भी टाइम पास किए जैसे ही फोटोन आता है उस पर एक लाइट क्या होता है इमिट हो जाता है। तो यह बात वेव थ्योरी ऑफ लाइट के फेनोमेनन से नहीं डील किया जा सकता। या दूसरी बात कहें अगर हम लोग कि लाइट जब हम लोग को पड़ रहा है तो उसका एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अगर वेव थ्योरी ऑफ लाइट के आधार पर सोचा जाए तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का भी कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसको स्प्रेड करेगा वहां आकर के, तो एक टाइम ज्यादा लैगिंग हो, टाइम ज्यादा लगेगा बट उतना एनर्जी सप्लाई हो जाएगा और एनर्जी क्या होगा इमिट होगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो कि एक्सप्लेनेशन थे जो इलेक्ट्रॉन के इमिशन के, वह वेव थ्योरी ऑफ लाइट के आधार पर डील नहीं हो सका। तो लाइट का जो कि उस समय जो कि चला हुआ जो कि 19th सेंचुरी में जो इस्टेब्लिश एक थ्योरी था कि लाइट इज अ वेव, तो उसको इस बात को उस सोच के आधार पर इसको डील नहीं किया जा सका। तो आइंस्टीन ने कहा कि लाइट जब इंट्रैक्ट करता है किसी मैटर से तो वह पार्टिकल की तरह फोटोन की तरह बिहेव करता है। तो ये जो चीज को है तो इसका मतलब हो गया कि लाइट जो है तुमको लाइट फोटोन दैट इज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर दोनों शो करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का या लाइट का ड्यूल नेचर हुआ। तो ये पहले हम लोग देख लेते हैं ड्यूल बिहेवियर ऑफ लाइट, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट का ड्यूअल नेचर के बारे में कुछ थोड़ा सा लिख लेते हैं, जैसे दो चार लाइन। इन 19th सेंचुरी यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट कॉमा डिफ्रैक्शन ऑफ
लाइट एंड पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट establish wave nature of light. लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के थे ये वेव नेचर के आधार पर डील नहीं किया, जैसे मैंने कहा कि लाइट इलेक्ट्रॉन जो फोटोन का इंस्टेंट इमिशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एक अस्तित्व होना, एग्जिस्टेंस होना, ये सब वेव थ्योरी के आधार पर उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं. तो बट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेनेशन बाय आइंस्टीन आइंस्टीन एस्टेब्लिश फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, फोटोन और पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, इसको भी इसने क्या किया, इस्टेब्लिश किया. तो इसका मतलब कि ये लाइट जो है तुमको इंट्रैक्ट जब करता है किसी मैटर के साथ तो वो फोटोन की तरह बिहेव करता है. तो इट मींस लाइट है, इट मींस लाइट हैज, लाइट बिहेव्स एज वेव एज वेल एज लाइक पार्टिकल. इट इज ड्यूअल बिहेवियर ऑफ, इट इज कॉल्ड ड्यूअल बिहेवियर ऑफ लाइट. ये ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट हो गया. तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब समझ में आ गया होगा. ये पूरा तुम्हारा था जो प्लैंक का क्वांटम थ्योरी जो हमने यूज किया, वो भी पार्टिकल नेचर के आधार पर लिखा हुआ है. फोटोन के, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है और लाइट में बहुत से फोटोन है, एन नंबर ऑफ फोटोन है, तो उसके मल्टीपल होंगे कभी भी, जिसको क्वांटाइजेशन का भी बात आता है कि ये भी क्वांटाइज्ड है. और इस सब के आधार पर ये क्वांटाइजेशन की भी थ्योरी आई. तो ये तुम्हारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, इक्वेशन को डील करने के बाद ये लाइट का. तो अगर हमने ये देखें लाइट वेवलेंथ, जैसे कि आ गया तुम्हारा आइंस्टीन इक्वेशन है तुम्हारा, आइंस्टीन इक्वेशन क्या है, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ई इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा. तो दिस इंप्लाइज दैट एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, एम सी बराबर एच बाय लेमडा, या लेमडा बराबर एच बाय एम सी, या लेमडा बराबर एच बाय पी. पी हो गया मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ लाइट, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन हो गया. ये वेव फोटोन, ये वेव लेंथ हो गया, ये हो गया वेव लेंथ इक्वल टू एच बाय पी. एच जहां पर प्लैंक कांस्टेंट, इसका वैल्यू की 6.626 इनटू 10 पावर माइनस 20 माइनस 34 जूल सेकेंड. तो ये तुम्हारा हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा ड्यूअल बिहेवियर. दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप आ गया, लेमडा इक्वल टू एच बाय एम सी या लेमडा इक्वल टू एच बाय पी मोमेंटम. तो ये तुमको ड्यूअल बिहेवियर ऑफ क्या हो गया, लाइट का. लाइट के संदर्भ में पहले जो है तुमको न्यूटन के समय में जो एक कॉर्पस क्रिएट थ्योरी था, वो लाइट को फोटोन में पार्टिकल से मिलकर ही माना जाता था. लेकिन 1801 में जो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था इंटरफेरेंस का,
ये सब एक्सपेरिमेंट ने एस्टेब्लिश किया डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इन सबों को लाइट के पार्टिकल बिहेवियर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो 1900 में जो कि तुमको है 1801 से लेकर जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया, इन सबों ने इस्टेब्लिश कर दिया लाइट को, जो पूरे 1800 से लेकर 1900 तक बिल्कुल ये बात इस्टेब्लिश कर दिया कि लाइट इज ए वेव। इस सब लोगों ने ये मान लिया कि लाइट क्या है, वेव की तरह शो करता है। लेकिन जबकि फोटोन इफेक्ट के इक्वेशन को आइंस्टीन ने जब एक्सप्लेन किया उसके घटना को, तो उसे वेव थ्योरी के आधार पर लाइट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। और इस एक्सप्लेनेशन के लिए ही आइंस्टीन को फोटोन इफेक्ट के लिए एक नोबेल प्राइज भी दिया गया, 1913 का नोबेल प्राइज भी मिला था, क्योंकि उन्होंने फोटोन इफेक्ट की खोज, फोटोन इफेक्ट के इफेक्ट बहुत पहले से ही बहुत से साइंटिस्ट का उसमें रोल रहा। लेकिन इसको ये जो एक्सप्लेनेशन जो इसके आधार पर फिजिक्स की एक नई तरह की थ्योरी को लाया लाइट के बारे में, कि आप इसको वेव थ्योरी के आधार पर डील नहीं कर सकते हैं, किसको, लाइट को। तो ये जो धारणा का ये जो कंसेप्ट लाया कि फोटोन थ्योरी को फिर से स्टेब्लिश किया इसने, और इसी के लिए इन आइंस्टीन को क्या मिला, नोबेल प्राइज भी दिया गया था इस एक्सप्लेनेशन के लिए। और उसके उसने स्टेब्लिश किया लाइट इज ए फोटोन। तो ये देखा गया, यह जो एक राय आई कि लाइट दोनों की तरह व्यवहार करता है, लाइट बिहेव्स लाइक ड्यूअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। और इसलिए एक ने पार्टिकल थ्योरी या वेव दोनों के आधार पर क्या क्या ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन को इस्टेब्लिश किया गया, और दोनों के बीच में ये एक रिलेशनशिप दिया गया है, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, पी मोमेंटम हो गया, एम इक्वल टू मास ऑफ फोटोन, सी इक्वल टू इट्स स्पीड दैट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकंड वेक्टर, और इसका वेव लेंथ ऑफ ये लाइट का ये आ गया तुम्हारा। अब यह तो लाइट के संदर्भ में यह फेनोमेनन हुआ। अब है कि डी ब्रोगली ने एक दूसरे फेनोमेनन की बात करते हैं इसके आधार पर। डी ब्रोगली ने 1924 के आसपास यह पाया कि लाइट ही नहीं बल्कि दूसरे जो मैटर होते हैं वो भी दोनों तरह के व्यवहार शो करते हैं। मतलब कि लाइट ही, लाइट तो ड्यूअल बिहेवियर शो करता ही करता है, बल्कि अन्य पार्टिकल्स भी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हैं या कोई भी पार्टिकल या बड़े जैसे क्रिकेट का बॉल है, ये सभी किसको एक्सप्लेन करते हैं, ये सभी किस व्यवहार को फॉलो करते हैं, ये ड्यूअल बिहेवियर को शो करते हैं। मतलब सभी मैटर जो है, तो ये ड्यूअल बिहेवियर सिर्फ लाइट में ही नहीं होता बल्कि ड्यूअल बिहेवियर ये सभी मैटर में होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्रोगली का थ्योरी कहते हैं। डी ब्रोगली ने कहा कि लाइट ही नहीं बल्कि ऑल मैटर हैज ड्यूअल बिहेवियर। तो डी ब्रोगली ने कहा, देख लेते हैं हम लोग, डी ब्रोगली थ्योरी, डी ब्रोगली stated that not only stated that all matter has particle as well as wave nature, particle as well as wave nature. It means matter has dual behavior. मैटर है ड्यूअल बिहेवियर, मैटर को ड्यूअल बिहेवियर होता है सभी मैटर को। तो मैं सभी मैटर में तुमको ये जो एक्सपेरिमेंट है, तुमको एक जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सपेरिमेंट करके जो है तुमको पहली बार देखा गया, तो उसमें पाया गया इलेक्ट्रॉन को भी क्या है, वेव नेचर शो करता है। इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है जिसके डिफ्रेक्शन को प्रूव किया गया तुमको, जिसमें कि तुमको जो एक्सपेरिमेंट है तुम्हारा क्लास 12 फिजिक्स में बताया भी जाता है, इलेक्ट्रॉन के तुमको वेव नेचर को पहली बार प्रैक्टिकल करके देखा गया, तो इलेक्ट्रॉन के में को डिफ्रेक्शन करते हुए पाया गया।
और इलेक्ट्रॉन के डिफ्रेक्शन के आधार पर ही अभी एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बना हुआ है, जिससे कि हम मिलियंस मतलब लाख गुना करके भी के पार्टिकल को उसके साइज को हम क्या कर सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी अभी उसी पर बेसिक पर काम करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो वो भी डिफ्रेक्शन पर, तो इसके आधार पर ये पाया गया। तो बाद में देखा गया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, इलेक्ट्रॉन के एक्सपेरिमेंट तो तुमको दिए भी हुए हैं डिफ्रेक्शन का, जो कि क्लास 12 में फिजिक्स में। तो ये बाद में पाया गया कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं बल्कि अन्य पार्टिकल, जैसे कि बड़े पार्टिकल जैसे कि आयोडीन के मॉलिक्यूल, ये सब भी, इस सब के लिए एक्सपेरिमेंटली वेव बिहेवियर को शो करता हुआ पाया गया, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल समझते हैं, जो पार्टिकल है उसी के मतलब क्या किया गया, वेव बिहेवियर, उसका जो वेवलेंथ है उसका डिफ्रेक्शन करता हुआ, पोलराइजेशन, इन सबों के बारे में बाद में लोगों ने इस्टेब्लिश किया। जो कि किसके आधार पर, जो क्या डिब्लोगी ने कहा कि सिर्फ लाइट ही नहीं बल्कि इसके द्वारा हर एक पार्टिकल। तो सबसे पहले तो उनको किसके पे चेक करे गए, इलेक्ट्रॉन को देखा गया, इलेक्ट्रॉन के वेव बिहेवियर को एक्सप्लेन किया गया पहले बार के डिफ्रेक्शन करता हुआ। तो इस प्रकार से इसका ये थ्योरी जो था तुम्हारा ये इस्टेब्लिश हुआ, और इसके आधार पर क्या कहा गया, वेवलेंथ ऑफ मैटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, तो लेमडा इक्वल्स टू h/p, और लेमडा इज इक्वल टू p क्या होगा तुम्हें, मोमेंटम। लेमडा इक्वल्स टू h/mv, m इक्वल्स टू मास ऑफ पार्टिकल, v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये तुम्हारा पार्टिकल पर। तो इस थ्योरी को अगर हम लोग अप्लाई करें, जैसे कि एक देखते हैं कि वेवलेंथ क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन कुछ देखते हैं, इससे तुमको कुछ समझने में मिलेगी कि बड़े ऑब्जेक्ट में ये लागू क्यों नहीं होता है, वेव नेचर उसका हम लोग क्यों रिजेक्ट कर सकते हैं या क्यों उसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे इसको एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्रिकेट बॉल हैज मास 200 ग्राम एंड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। इसको निकाल लेते हैं, देखते हैं इस फॉर्मूला पर, फॉर्मूला है ही हमारा, निकालना काफी आसान है। तो सॉल्यूशन, लेमडा इज इक्वल टू क्या हो गया, h/mv, तो h का वैल्यू 6.626 × 10⁻³⁴। 200 ग्राम का बॉल लिया गया, 200 और यह हो गया 1000 आ जाएगा, 200 यहां पर 1000, 5 से तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, इंटू कितना है 10, चलो ये 5 से कट गया और ये 5 इससे 2 बार में कट गया, तो दैट्स इक्वल्स टू 3.313 × 10⁻³⁴ मीटर। हाउ स्मॉल इज इट, ये कितना छोटा वेवलेंथ है, तो क्या इसका कोई प्रैक्टिकल कोई अर्थ है क्या? तो जाहिर है कि कह सकते हैं नहीं, इसका कोई प्रैक्टिकल अर्थ नहीं है, क्योंकि जो कि तुमको सबसे छोटा डिस्टेंस जो कि है दैट इज न्यूक्लियस का, 10⁻¹⁵ मीटर में होता है, उससे छोटे डिस्टेंस के और क्या होता है, इससे छोटा तो लाइट का वेवलेंथ 10⁻⁹ मीटर या 10⁻⁷ मीटर में होता है लाइट का वेवलेंथ। इनफैक्ट एटम का साइज 10⁻¹⁰ में, न्यूक्लियस 10⁻⁵ मीटर में, ये 10⁻¹⁴, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, व्हिच इज हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका जो है तुमको, इसका मतलब बड़े आकर के पार्टी में इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अब एक क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन देते हैं, एक दूसरा देखते हैं, जैसे छोटे से पार्टी, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए
इन हाइड्रोजन एटम, इन एच एटम जो बोर थ्योरी में था, इन एच एटम द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज, इन फर्स्ट ऑर्बिट इज 2.1×106 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ निकालें। तो ये देखते हैं कितना आता है। तो लेमडा इक्वल टू एच बाय एम भी, इलेक्ट्रॉन का मास याद ही होगा आई होप कि। देखते हैं 6.626×10⁻³⁴ बाय 9.11×10⁻³⁶ इंटू वेलोसिटी हो गया क्या, तो 2.1×10⁻⁶ ये मीटर, ये क्या होगा तुम्हारा मीटर। -34, -31, -3 और -6 दैट इज -9, तो -9 पावर दे, -34 और इधर -31, तो -9 पावर में आ गया तुम्हें। अब डिजिट की बात करते हैं, तो 10⁶ है यहां पर और यहां पर 2.1 है, और 6 और 2.1 को अगर कैंसिल करें तो 3.3 हो गया, तो है 3.1 के आसपास, 3.1 और 9.1 को कैंसिल करें तो करीब करीब 1/3 दैट इज 0.33 की 0.32, तो ऊपर कोई 0.32×10⁹ मीटर, तो दैट 3.2×10⁻¹० मीटर। इसका वेवलेंथ तो बिल्कुल आ गया, इसका वेवलेंथ तो ठीक है, ये तो वेवलेंथ -10 मीटर एटम के डाई साइज में है, तो ये तो इसका वेवलेंथ तो मतलब कहते हैं इग्नोर नहीं किया सकता इसको, तो इसको कंसिडरेबल है ये, जहां -34 और यहां पे क्या -10 पावर में, इट हैज वेरी, जब मैंने स्पीड भी इसका काफी लार्ज रखा उसके बावजूद भी ये तुम्हारा क्या है, ये इसको ये वेवलेंथ ही, ये तुम्हारा क्या है वेवलेंथ, इसको कंसिडर किया जा सकता है, जो लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर में है, ये सब जो वेवलेंथ होता है रेडिएशन का उसी के ऑर्डर में है लगभग। तो ये तुम्हारा जो है इसका मतलब ये हुआ कि इसका वेवलेंथ वगैरह तुम्हारा इस कंसिडरेशन में है, इट हैज वेरी, मतलब इसका क्या है, इसका मीनिंग है, और स्मॉलर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब में इसका, इसको इग्नोर नहीं किया सकता, इट कांट बी इग्नोर्ड, इट हैज, इट कांट बी इग्नोर्ड, कांट बी इग्नोर्ड, तो इसके लिए जबकि बड़े पार्टिकल के लिए क्या कर सकते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है इसका, इस डी ब्रॉग्ली प्रिंसिपल का, जैसे इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए इसका काफी इंपॉर्टेंस है। तो ये तुम्हारा हो गया। इसके बाद एक थ्योरी है, तो इसका मतलब छोटे जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन वगैरह इन सबों को का जब स्टडी करें, जैसे कि हम लोग एटम के अंदर जब कोई एटम के बारे में हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो वेव एस्पेक्ट को डील करना होगा, जो कि बोर्स थ्योरी को था कि इलेक्ट्रॉन के वेव एस्पेक्ट को वो डील नहीं करता है, और वेव थ्योरी इसीलिए, वेव थ्योरी का क्या हुआ जो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या सब जगह जनरल के लिए क्या नहीं कर पाए, डिफाइन नहीं कर, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो आगे बना उसमें वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी दोनों का चर्चा, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को भी उसमें शामिल किया गया है डी ब्रॉग्ली प्रिंसिपल के आधार पर। तो डी ब्रॉग्ली प्रिंसिपल का कहना था कि इसमें इसको इग्नोर नहीं कर, जब इलेक्ट्रॉन एटम के चारों ओर घूम रहा है, एटॉमिक मॉडल है हमारा, उसमें वेव बिहेवियर को भी कंसिडर, जो भी कोई मॉडल बने उसमें इस बिहेवियर को कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, तुम्हारा जो बोर का मॉडल था इन सबों के आधार पर नहीं फिट बैठ रहा था, तो इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया गया, तो इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हो, और नोट्स वगैरह के लिए तुम जो है ड्राइवर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, जो स्टूडेंट की मतलब स्कूल वगैरह एग्जाम के लिए या बोर्ड की तैयारी करते हैं उसको नोट्स ले सकते हो, प्ले स्टोर पर तुमको मिल जाएगा, ड्राइवर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ड्राइवर ऐप पर तुम्हें नोट्स भी मिल जाएगा, जेई में जे एडवांस के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो हमसे पर्सनली संपर्क भी कर सकते हो, जो भी पढ़ाई में कहीं भी दिक्कत हो रही, कोई न्यूमेरिकल नहीं बन रहा हो या किसी थ्योरी को समझने में दिक्कत हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में भी, तो तुम हमसे संपर्क कर सकते हो और तुम्हें उसका जवाब लाइव क्लासेज में मिल जाएंगे, या तुम कुछ चाहोगे पर्सनली हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो उसमें नंबर भी दिए हुए हैं, तो हमसे पढ़ाई के बारे में बात कर सकते हो कभी भी। तो अब हम लोग देखते हैं इस के बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये हो गया तुम्हारा डी ब्रॉग्ली का प्रिंसिपल के बाद देखते हैं हम लोग।
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। द प्रोडक्ट ऑफ एरर इन पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज greater than h by 4 pi. So, delta x into delta p greater than equals to h by 4 pi. delta x हो गया तुमको error in position. delta x क्या हो गया? error in position. डेल्टा पी हो गया एरर इन मोमेंटम। तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाय फोर पाए। m m इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल, ये भी कह सकते हैं। ये तुम्हारा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाय फोर पाए। एम इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल, एम इक्वल्स टू मास ऑफ पार्टिकल, ये एम है तुमको मास ऑफ पार्टिकल। तो ये तुमको एच बाय फोर पाए हो गया। इसका जहां तक है कि ये तुमको इससे ज्यादा मतलब इससे कम एरर नहीं होगा। तो कम नहीं होगा तो कम से कम एरर इतना होगा एच बाय फोर पाए का, या एन एच बाय फोर पाए भी कहते हैं इसको, इसका मल्टीपल होता है। इसको देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि इसका पोजिशन के वगैरह के बारे में देखते हैं, इसका कितना किस रेंज में आता है। तो इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में जब देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में देखेंगे तो इसका अनसर्टेनिटी क्या आएगा, तुमको इतना आएगा जो कि कंसिडरेबल होगा, क्योंकि एच का वैल्यू अभी भी -34 पावर में है। तो इसका मास का जहां तक होगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी वगैरह, कोई अगर एक चीज में देखें अनसर्टेनिटी तो एक जैसे कि क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्रिकेट बॉल हैज मास 200 ग्राम, द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ द बॉल इज 1 मिलीमीटर, then find the uncertainty in its velocity। देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस आता है क्या। तो सॉल्यूशन करते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम जो है तुम्हारा इज इक्वल टू एच बाय फोर पाई एम, एच बाय फोर पाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मिनिमम एरर। तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल्स टू एच बाय फोर पाए। डेल्टा एक्स को दिया गया है 1 मिलीमीटर 10^-3, या डेल्टा एक्स डेल्टा वी बराबर लिख लेते हैं यहाँ पर, तो एच बाय फोर पाए एम इंटू डेल्टा एक्स, एच बाय फोर पाए एम इंटू डेल्टा एक्स 6.626 इंटू 10^-34 बाय एच बाय फोर पाए, फोर इंटू 3.14 फोर पाए इंटू एम, एम कितना होगा तुम्हें
200 मिलीग्राम है, 200 ग्राम है, तो 0.2 इंटू डेल्टा एक्स हो गया, डेल्टा एक्स का वैल्यू है तुमको मतलब 1 मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर। तो इसमें देखते हैं क्या होता है तुम्हारा, इसका -34 है तो यहाँ पर कितना है तुमको, ये रेंज में क्या आएगा, -34 है तो काफ़ी, ये 0.2 है इंटू 4 इंटू 3 पॉइंट, तो 0.2 0.8 इंटू 3.14, 0.8 इंटू 3 2.4, तो दैट इज 2.4 इंटू कितना होगा तुम्हें, 2.4 इंटू ऊपर चला जाएगा ये, तो 2.4 इंटू 2.4 ऊपर हो गया, तो 2.4 3 पॉइंट समथिंग, 10⁻³ ही क्या है, 3 × 10⁻³ अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो क्या इसमें कोई ये एरर है क्या, ये मेजरेबल एरर, बिल्कुल नहीं है, 10⁻³ मतलब कि इसमें रेंज में एरर होना कोई मीनिंग नहीं रखता है, नो सो इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। सो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल MACR, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो बड़े आकार के नो पार्टिकल, इसके लिए कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं हुआ। लेकिन यही बात जब इलेक्ट्रॉन पे लागू करके देख लेते हैं, अगर इसका एरर इसके वेलोसिटी में देखते हैं, इसका पोजिशन में, तो इन इलेक्ट्रॉन देखते हैं, इस थ्योरी को अगर लागू करते हैं इसी को अब इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया m, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एरर तुमको पोजीशन दे दिया हमने डेल्टा एक्स का, ऑर्बिट का जो साइज होता है पोजीशन 10⁻⁸ मीटर में एरर है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये पोजीशन में इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑर्बिट में रहेगा तुम्हारा इस रेडियस में है, इसका वेलोसिटी में देखते हैं, तो डेल्टा ए भी बराबर हो जाएगा एच बाय 4πm इंटू डेल्टा एक्स, एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का तुमको ऑर्बिट में रहेगा उसके लिए, इंटू 10⁻³ बाय 4π, 4 इंटू 3.14 इंटू 9.11 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा एक्स क्या है तुमको, डेल्टा एक्स का वैल्यू 10⁻⁸ मिल लीजिए, ये तुमको जब ऑर्बिट में रहेगा तो इस रेंज में होगा तुम्हारा ऑर्बिट में, जो कि इलेक्ट्रॉन और बोर्स ऑर्बिट में है 10⁻⁸ मीटर के रेंज में होगा। देखते हैं -34 -31 दैट इज -3 और -8 हो गया +5, 10⁵ के रेंज में चला गया, ये 10⁵ में चला गया, तो यहाँ पर अगर डिजिट को कैलकुलेट करेंगे तो भी तुम्हें क्या आ जाएगा, ये एरर काफ़ी सफिशियंट आएगा, 10⁵ आ गया 6.626 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 9 है तुम्हारा, तो 4 तो 2 तो 1 बाय करीब करीब आ गया तुम्हें 18, तो 5 × 10⁴ के आसपास, 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली देखें तो ये 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, इसमें एरर इतना ज़्यादा एरर होना इन दिस ऑर्डर, इट इज वेरी लार्ज इन दिस ऑर्डर, मतलब कि ये इतना ज्यादा एरर है ना वेलोसिटी में, ये तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, इट कांट बी इग्नोर्ड, इतना एरर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली प्रिंसिपल को इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में जो रोटेट करा उसमें ये लागू, उसकी अनसर्टेनिटी इतनी है कि आप एक साथ कभी भी दोनों को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं सही सही। ये थ्योरी कहता है कि पोजिशन और मोमेंटम को आप कभी भी एक साथ एक जगह पे कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली। अगर एक में तुमको है, जैसे कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसके पोजीशन को आप किसी भी चीज़ से कैसे विजुअलाइज करेंगे, पोजीशन को आप क्या चीज़ से देख सकते हैं, पोजीशन को देखने के लिए आप वेव लेंथ का यूज कीजिएगा लाइट का, तो लाइट जो उस पर फॉल करेगा वो उसके वेलोसिटी में काफ़ी एरर लाएगा, तो जिस चीज से के आप व्यू करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो वो क्या करेगा, उसके वेलोसिटी में एरर आएगा, तो कभी भी आप सिमल्टेनियसली उसके मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ कंसिडर करेक्टली क्या नहीं करते, मेजर कर ही नहीं सकते, ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं सकता है जो कि उसके पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एक्यूरेटली क्या कर सके, मेजर कर सके। और लेकिन बोर्स थ्योरी में हमने देखा था कि उसका रेडियस का अलग बिल्कुल एक डिफरेंट फार्मूला है,
और वेलोसिटी का अपना एक फॉर्मूला, एनर्जी का अपना एक फॉर्मूला, सबका अपना अपना एक बिल्कुल स्टेब्लिश फॉर्मूला दिया गया। तो ये थ्योरी कहता है कि नहीं, किसी भी चीज के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है और एग्जैक्टली किसी को डिटरमाइन नहीं कह सकता है। और वो थ्योरी इन सब बात के आधार पर प्रोबेबिलिटी थ्योरी को डील नहीं करता था, वो वेव थ्योरी को डील नहीं करता है। और इसी कारण से बोर थ्योरी आगे जाकर के हर मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में तो बिल्कुल विफल ही हो गए और मतलब अनसक्सेसफुल ही हो गए। तो हमें एक नए थ्योरी की जरूरत थी, जिसको जिसके आधार पर हम लोग क्या कर सकें, एटम को और समझ सकें। तो इन सब थ्योरीज को लेकर के हम लोग एक नया इलेक्ट्रॉनिक का मॉडल बनाएंगे, जो एटम का मॉडल बनाएंगे, जिसे हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं, और इसके आधार पर हम लोग उसको डील करेंगे। तो हम लोग अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इन सब थ्योरी का, जो कि आज हमने थ्योरी पढ़ा ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और तुमको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन सब को कंसिडर करते हुए हम लोग क्या करेंगे, जो कि हम लोग का जो एटम का जो एक मॉडल है, जो हमने अभी तक एटम का मॉडल जो पढ़ा, डाल्टन्स लॉ एटॉमिक थ्योरी, डायरेक्टर थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा, डायरेक्टर रदरफोर्ड का आया, उसको उसमें जो समस्याएं रहे उसको बोर से हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डील किया। और अब जो तुम्हारा है इन सब थ्योरीज को वेव बिहेवियर एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जो कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो के द्वारा दिया गया है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कहीं डिफीट आप नहीं कर सकते इस ऑर्बिटिंग होगा, जो कि बोर थ्योरी के आधार पर प्रिडिक्ट किया गया है। तो इन सबको लेते हुए हम लोग एक नया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का को पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा, उसमें हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को पढ़ेंगे। और जो क्वेश्चंस बनाने में जिनको दिक्कत हो रही है, बोर्स मॉडल का क्वेश्चन हो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन बताया गया, प्लैंक क्वांटम थ्योरी था उधर, और जो भी इसके जुड़े हुए जो क्वेश्चंस वगैरह हैं जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, तुम एग्जांपल प्रॉब्लम से भी अपना क्वेश्चन बना सकते हो, और विराट ऐप पर भी तुम आकर के एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन बना सकते हो, बेहतर क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें, ऑब्जेक्टिव से के सारे क्वेश्चन राइट पर भी उपलब्ध है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें बना सकते हो, और जब भी चाहो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पर्सनली भी जिसको मदद लेनी है पर्सनल भी आप अपना गाइडेंस के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ऐप पर राइट ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए, पढ़ाई में जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, सारे समस्याएं को प्रॉब्लम जो भी है इंस्टेंटली उसको सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूं।